अंदाज में दिलीप कुमार की अदाकारी की ऐसी धाक जमी कि वे ट्रेजेडी किंग कहे जाने लगे। देवदास ने इसे और भी निखारा। बाद में किसी ने सलाह दी कॉमेडी करने की, तो उन्होंने कॉमेडी भी की और कामयाब रहे। दिलीप कुमार कभी किसी इमेज में बंध कर नहीं रहे। बाद में जब उम्र हो गई तो वे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल में आए और यहाँ भी सफल रहे। फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो से शादी की। दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने उस समय भारतीय राजनीति में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाई और गाहे बगाहे विवादों में रहने वाले दिलीप कुमार अदाकारी के नए आसमान बने। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला हर नया शख्स अभिनय के उन्हीं आयामों को छूना चाहता है जो दिलीप कुमार ने बनाए हैं। दिलीप कुमार साहब, ये निशाने इम्तियाज को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा कि साहब आप जो चाहें वो फैसला करें, है ना, ये आपके ऊपर है, हमें आपके ऊपर न कोई शक है, न कोई संदेह है, न देश को कोई शक है। तब आपका क्या फैसला, आपने कुछ फैसला लिया या आप सोचते हैं कि इसको, इस इशू को यहीं बंद कर देना चाहिए? तो मैंने लंबा सांस लिया, ठंडा सांस, कि चलो ये बात हो गई। मैंने कहा ये मेरे मेरी इंटेग्रिटी पर कि मैं देश के पेट्रियाटिक नहीं हूं मैं, तो अगर मैं पेट्रियाटिक नहीं हूं तो फिर इन्हें इन वे इनडायरेक्टली, ये तो एक ट्रेटर होने का एक इल्ज़ाम वो लगा रहे थे और वो बहुत मुझे खलता था, तकलीफ उससे होती थी कि ये हमेशा ऐसी ही बात चुनते हैं और ऐसा ही कोई ना कोई मजमून बनाते हैं कि इससे भी उनको बहुत यानी बेचैनी थी कि मैं पेशावर में पाकिस्तान में पैदा हुआ, तो जब मैं पेशावर में पैदा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तो था ही नहीं, मैं तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था और शहर का नाम था पेशावर और उसी में पला बड़ा हुआ, तो ये क्या दुख हुई, ये क्यों नहीं सोचते आपके, मैं परवरिश एक तरह से अपनी बेदारी जिसको कहते हैं, मेरा एडोलेसेंस यहाँ से बम्बई में से ही हुआ, हिंदुस्तान से हुआ, हिंदुस्तान में मैं अपनी तालीम हासिल की, हिंदुस्तान में मैं शेर और सुखन से कुछ वाकफियत हुई, उर्दू के भी, फारसी के भी, अंग्रेज़ी के भी, तालीम भी यहाँ पर, यानी मुझे रोज़ी यहाँ पर मिली, मेरा काम यहाँ पर मिला और उस काम में देखिए ऊपर वाले ने कितनी सखावत से काम लिया। लेकिन काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, काफ़ी लोग आगे बढ़ के आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब सभी लोग आप पर शक नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो वो तो मेरे दिल में बड़ा सुकून का बायस है, मैं इस बात को भी नहीं, लेकिन ये क्या है कि ये जो थ्रेट होता है ना, अब इनके घर के आदमी, इनके आदमी कहीं भी जा सकते हैं। किसकी थ्रेट, बाला साहब की थ्रेट, बाल ठाकरे? नहीं नहीं, आई शुड नॉट लाइक टू नेम हिम, बट देयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, वो चले आए और मैं तो क्या, यानी जो हमारी हुकूमत थी वो लोग भी उनसे मालूम नहीं क्यों धड़कता था शायद उनका दिल, कोई चीज़ जो हो, लॉ ब्रेकिंग हो या लॉ का कोई क्वेश्चन हो, हुकूमत इतनी ही कमीशन ने आके कैसे रकीक फैसले किए हैं, लेकिन हुकूमत डरती है और हमको इसलिए खदशा होता है कि सिनेमा आर्टिस्ट लिव्स इन ए ग्लास हाउस और जब चाहे आप उस पर पत्थर ढेला उछाल के मार दें, और भाई हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, ये खदशा है कि जाते हैं आते हैं, घर में भी अगर बाहर कोई कोहराम होता है, अभी फायर के वक्त वो लोग आए थे लेकर कपड़े वपड़े उतारने लगे, मकरू किस्म का मंजर है, लेकिन इतना ढोल तमाशा बाहर, तो
लोग सोचते हैं खुदा जाने क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज देखिए कि और कोई तमाशा नहीं खड़ा करता, जो कुछ भी आपका तमाशा खड़ा होता बाल ठाकरे साहब की तरफ से होता है। और बाल ठाकरे से आपके बड़े अच्छे रिश्ते होते थे ऐसा कम से कम उनका कहना है। हमारे साथ हम लोग बैठ के बियर पीते थे, वो अपने आपको अपना दोस्त मानते थे। फिर ये क्या बात हुई? जब भी कुछ भी मसला हो अगर मैं उनसे कुछ जाके कहूँ तो उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो हल हो जाए। और मुझको कहते हैं कि ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, जबकि शरदराव पवार से थोड़े हम दिल बर्दाश्ता थे, तो कह लेंगे देख लिया मैं तुमको उससे अच्छा दोस्त बन के बताऊंगा। तो अगर दोस्ती के ये माने कि आप मुझे भगाते फिरें कि मैं यहाँ आऊँ वहाँ आऊँ बयान दूँ और अपनी सफाई पेश करता रहूँ, तो अच्छा है, अल्लाह की बड़ी यानी करम है उसका, मालिक का और ईश्वर की बहुत मेहरबान है कि उन्होंने इतने दिलों में इतनी सखावत दी है कि वो मेरे लाउबालीपन को बर्दाश्त करते हैं और मेरे लिए कुछ अच्छा विचार रखते हैं और अच्छी बात लिखते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है, वरना अगर ऐसा ना होता तो मुश्किल होती। तो खफा क्यों रहते हैं बाला साहब, क्या वजह? कहीं ऐसा तो नहीं आपको चाहते हो कि आप उनकी पार्टी के लिए कुछ मदद करें, शिवसेना के लिए कैंपेन करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं वो। ये हाँ, ये बात जरूर है कि वो ये नहीं चाहते कि मैं कांग्रेस के लिए कुछ करूं। और कांग्रेस में क्यों दिलचस्पी लेते हैं आप क्या सियासतदान सीधे सियासत में क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हम लोग वोट डालना हर शहरी का फर्ज होता है, और वो इलेक्शन का जो बैलेट पेपर है वो कागज़ नहीं है, मैं कागज़ का पुर्जा नहीं है, वो तो हमारे पुरखों की कुर्बानियों का एक सर्टिफिकेट है। ये लेगेसी है, ये विरासत उन्होंने दी है कि देखो उनकी जाने इस पर, देखिए आप गौर से किस पर किया क्या, किस किस का नाम, भगत सिंह का नाम है, महात्मा गांधी का नाम है, और खान गफार खान साहब का है, और मौलाना मोहम्मद अली का है, और पंडित नेहरू का है, और मोतीलाल नेहरू का है, भोला भाई देसाई के नाम है इन पर, वल्लभ भाई पटेल का नाम है इन पर। अब मुश्किल ज़रा ये हो गई है कि अब किसके लिए जाएं, किसके लिए कहें? कोई बेदाग लोग होने चाहिए और कोई ऐसी सूझबूझ की कोई हलका होना चाहिए या कोई पार्टी होना चाहिए जो एक मखसूस निज़ाम के लिए कुछ काम करे। तो कांग्रेस अभी आपको नहीं लगती है, जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस में आ गई हैं, और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अभी जो है कुछ जो आप चाहते हैं उस तरह का कुछ कर सकती है? मेरे ख्याल से मैं देखा बड़ी मतीन और शी इज ए वेरी सिविलाइज्ड लेडी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन हर, और उनके इर्द गिर्द में देखता हूँ कि अब आदमी उतने बहके बहके वाले नहीं है। और मैं दुआ गो करता हूँ कि ऐसे अच्छे आदमियों का एक इख्तलात बने। अच्छा ये बताइए, दोनों जगह फंडामेंटलिस्ट आपके खिलाफ क्यों रहते हैं? पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो निशाने इम्तियाज आपको दिए जाने के बहुत खिलाफ जी हाँ, और हिंदुस्तान में भी जो फंडामेंटलिस्ट वो आपको पाकिस्तानी बताते हैं, तो ये इसकी क्या वजह? कही जाओ, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। आई थिंक दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एट सम लेवल सम कॉन्शियंशियस माइंड, अनफॉर्चुनेट इट्स ए ट्रेजेडी ऑफ द कंट्री दैट सम गुड एनलाइटेंड माइंड दैट कैन आर केपेबल ऑफ थिंकिंग, सोचने का मादा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक हाशिया या पर्दा उनके आगे आ जाता है कि वो बस उसी नज़र से देखते हैं। या वो पर्दा जानबूझ के लोग करते हैं, वो हाशिया जानबूझ के बनाते हैं ताकि उनको कुछ जानबूझ के नहीं बनाते उनको पॉलिटिकल फायदे हों। अभी ये जो अपने ठाकरे साहब हैं ये भी अपनी तबीयत में एक रखते हैं मासूमियत है और कुछ करना चाहेंगे कुछ, लेकिन एक थोड़ा शर का भी पहलू है, थोड़े मिस्चीवियस हैं। और मेरे ख्याल से बुक्स अगर उनको है उनको बुक्स ले लिया है, मतलब मुसलमान वो है कहने वो तो बड़ा अच्छा है, फलाना बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन साला मुसलमान है ऐसा मैंने उनके दोस्त कहते हैं कि कभी कभी किसी से बारे में, लेकिन मुझसे बड़ा अच्छा अच्छा उनका बर्ताव तो है अच्छा ही अच्छा, उनके बच्चे बेटे उनके, उनकी बेगम बहुत बहुत ही नफीस खातून थी वो, बहुत ही उम्दा महान धार्मिक लेकिन बहुत प्रेम से भरी हुई,
और बाला साहब, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो बाला साहब पर उनकी वजह से जो भी बने हैं तो उनकी बरकत थी, मीना ताई की बरकत थी। फाइन लेडी, लड़के उनके अदब से आदर से बात करते हैं। और ये पता नहीं, वैसे बात तो मुझसे इतनी अच्छी करते हैं, अपने परिचय में ऐसी यानी तलख बातें क्यों लिखते हैं, शायद मैं उनको ऐसा नजर आता हूँ। मासूमियत क्या नजर आई आपको बाल ठाकरे के अंदर, बड़ा इनोसेंट आपको क्या लगा? अब जैसे मैं जाऊँ तो उठ जाएंगे, वो तो कुछ ऐसा नहीं करते कि कुछ आदर देने के लिए उठे, ऐसे उठ जाएंगे, गले से मिलेंगे, और यानी जो इम्तियाजी नशिस्त है उसमें आपको कहे बैठने के लिए कहेंगे। उनके बच्चे आते हैं, बड़े बड़े अदब से मिलते हैं। कि सही है कि आप बाला साहब बैठ के बियर पीते तो चने खाते थे? अब ये बियर का कहा, एक दफा दो दफा ऐसा हुआ है, कोई हादसा था तो हाँ, इस किस्म के हमारे मरासिम बड़े अच्छे थे। कभी कुछ बात भी हुई तो बात का हल कैसे हुआ, बैठ के ऐसे ही चने वने खाते हुए वो बात टल गई। तो उनकी वाइफ जो मीना ताई, उनसे बड़े अच्छे रिश्ते थे, उनके फादर शायद सारा जी के फादर के साथ काम करते थे क्या? शी वाज अ ग्रेट लेडी। आई हैव, मेरा बहुत एहतराम है उनके लिए, उस खातून के लिए। और मेरे ख्याल से नशिस्त बर्खास्त के जो आदाब, उठने बैठने के आदाब हैं घर के मेंबर्स में, वो भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं तो उनके इंतकाल के बाद ये जो है रिश्तों में थोड़ा सा बिगड़ाव आया? नहीं नहीं, ये उपज तो उनमें शुरू से थी। इसकी वजह एक अफसोस होता है उसको। पॉलिटिकल फायदे के लिए तो करते हैं, ऐसा तो नहीं? पॉलिटिकल फायदे और नुकसान का अगर उनको ख्याल होता तो ही वुड हैव बिल्ट हिमसेल्फ अप डिफरेंटली एंड ऑक्यूपाइड मोर एग्जॉल्टेड एंड पॉपुलर पोजिशन, जिसमें पब्लिक अवाम की एस्टीम हासिल करने का उनमें काफ़ी मादा है। लेकिन वो अपने आप को इस तरह तंग कर लेते हैं, क्या है मुश्किल तो क्या है कि वो बम्बई या कोल्हापुर या शोलापुर या इधर उधर से कभी बाहर निकले ही नहीं है। नेशनल विजन नहीं उनका। अगर वो जाएं बाहर, कश्मीर जाएं या नॉर्थ साउथ इधर का दौरा करें कि हमारे मुल्क में तजाद कितना है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कॉस्मोपॉलिटनिटी, और कितना खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है, हुस्न कितना है। राजस्थानी कल्चर देखिए, पंजाब का कल्चर देखिए, बंगाल का देखिए, यूपी का देखिए, और साउथ का, कितने तजाद हैं, और उसमें आदमी जाके निखर जाता है। मैंने जो साउथ से जैसे बुर्दबारी सीखी है और जो एहतराम इंसान का, जो मालिक और मुलाजिम का ही है, उसमें भी जो रिश्ता है उसमें बड़ा अदब है। कभी वो तो ये एक खूबसूरत चीज़ है जो हम मिलकर हमें आएगी। वासन साहब अगर होंगे तो कभी किसी को वो सुनो ऐसा है, वो कहेंगे मिस्टर डिग्नप्पा, वुड इट बी छोटा थर्ड फोर्थ असिस्टेंट, वुड इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू कम एट अबाउट अ लिटिल अर्ली टुमारो। तहजीब जो है, रिश्ता। तो उसके बजाय यहाँ पर जो बाला साहब, या तो इतने प्यार से अच्छी बात करेंगे और या बम फेर देंगे। अभी आप अवार्ड लेके आए हो, इसको क्यों लेके आए हो? अरे लेके आ भाई, मेरा मैं पैदा भी उधर हुआ था। उन लोगों ने कहा है कि इतना हम देते हैं तुमको, एक बड़ा इम्तियाजी अवार्ड, और वो उसकी कदरें आप देखें। मेरी अदाकारी के बारे में तो बहुत कम है, कहते इससे मासिवा जो खूबियां उसमें इंसानियत की हैं, कि मजहब की दराड़ों के से परे लांग के और इथनिक डिफरेंसेस से को छोड़ के, हटा के, और इवन पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं उनको दूर करके ये शख्स लोगों को इकट्ठा आश्ती और सुलह की पसंदी को कोशिश करता है, और अपने मुल्क में और अपने मुल्क के बाहर इसको एहतराम हासिल है। अपनी इसकी मखलूत शख्सियत एक आलमी इंसान की है, और अपने मुल्क की हदों से बाहर जाकर भी ये वही कोशिशें करता है लोगों को मिलाने की।
अब इतनी काविश तो मैं नहीं करता, मेरी फितरत तो ये है जो भी कोई अच्छा काम हो चलो उसमें मिल लो, काम कर लो। जी सर, बड़ा पर्सनल सा सवाल है, कभी आपको मुसलमान होने की वजह से दिक्कतें महसूस हुई, या कभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वजह से आपको कुछ ऐसा सामना करना पड़ा जिसको आप नहीं चाहते थे और तमाम लोगों ने तरह तरह की तोहमतें लगाई? मेरी जाती जिंदगी में मुसलमान होने से मुझे कोई बाधा नहीं पड़ा। जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त ज़्यादातर तो हिंदू दोस्त हैं, कुछ सिख भी हैं, सरदार भी हैं, बल्कि मैं खालसा कॉलेज में जब पढ़ता था तो बहुत ही अच्छा माहौल था, और इतने खूबसूरत दोस्ताना, इतना अच्छा दोस्ताना है कि जिसको आप मिसाली कहेंगे, और कभी भी उसमें धर्म का सवाल नहीं आता। कभी भी ऐसे होते हैं जैसे सागर हैं, कपिल हैं, उनकी को पूजा हो रही है, मैं बैठा रहता हूँ, एहतराम से ही बैठता हूँ कि भाई वो अगर मुझे कपिल के यहाँ मैं वहाँ चला गया तो मुझे नमाज़ पढ़नी है, कपिल मोहन, हाँ कपिल मोहन, तो मैं वहाँ वहीं तौलिया लेके वहीं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, वो लोग भी बैठे रहते हैं, कुछ बात नहीं होती। और ऐसा कभी कोई, कभी रत्ती भर भी कोई ऐसा नहीं आया कि कुछ बुरी बात हो। लेकिन मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि 1964 या 65 में आपके घर पे पुलिस सर्च करने पहुंच गई थी कि कुछ कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, तो उसकी डायरी में कुछ आपका पता टेलीफोन नंबर लिखा था उस बेसिस पे, या आपके भाई शिफ्ट कर गए थे तो किसी एसपी ने जो है इंटेलिजेंस का कोई एसपी था उसने तलाशी करवाई। कोई मिनिस्टर साहब थे, बहुत ह्यूमरस कॉमेडी बाद में निकली। एक लड़का था, मिसेज बिमल रॉय ने भेजा था बंगाल से, अपने ढाका से आया था, वो काम मांग रहा था, तो बिमल दा का पिक्चर को ख़त्म हो चुका था, उन्होंने भाभी ने ख़त लिख के हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज को भेज दिया, क्योंकि वो पहले प्रेम जी हमारे प्रोडक्शन के प्रोडक्शन कंट्रोलर, तो प्रेम जी ने उनको रख लिया। बाद में मालूम हुआ कि वो लड़का जो था वो वहाँ से निकला, महबूब साहब के स्टूडियोज में हम जब काम करते थे तो वहाँ भी वो काम करता था, और फिर वो किसी लड़की को पढ़ाने लगा, कोई जज थे, सेशन जज, फिर उसके साथ उसका रोमांस वहाँ पे भी हुआ, फिर उस लड़की को लेके एलोप कर गया, और कलकत्ता में जाके गंगा के किनारे सुबह सुइसाइड करने गए वो, तो उन्होंने एक सुइसाइड नोट लिखा, फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई तो वापस आ गए, तो उसमें घूम रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया उनको, तो उसने सब बताया कि साहब ये वो जज की लड़की है, और ये मैं वहाँ पे काम करता था, तो मेरे जासूसी में तुम्हारा कौन हाथ बटाता था, ये पुलिस की डायरी में लिखा था कि बिमल रॉय हाथ बटाते थे उसका, और दिलीप कुमार हाथ बटाते थे उनका, और महबूब साहब हाथ बटाते थे उनका। तो हम तीनों पे यहाँ जब रेड वो आए, रेड लेके आया, तो मैंने उनसे कहा, मैं जा रहा था पंडित जी से मिलने, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा साहब ये कैफियत है, इंदिरा जी मुझे लेके आई थी, उन्होंने बिठाया, पंडित जी आए, तो पंडित जी क्या कर रहे हैं, सिगरेट जला के दे रहे हैं। मैं बड़ा जज्बाती था, मेरी आँखें एकदम भरी हुई थी कि अगर ऐसी बात है सर तो हमारे पर कि इस तरह से करने से क्या फ़ायदा है, हम तो बॉर्डर भेज रहे थे, अभी वहाँ से होके आए, वो जो भी समझ में आया मैं बकबक करता गया। तो उन्होंने सोचा ना कुछ सोचा, और कहा कि कोई नहीं है और ये क्लियर हैं और ये देश के ये वो करते हैं, ये करते हैं, और वो चिट्ठी भी लिख के दे दी। तो इतने साल बाद आज बाल ठाकरे ने आपके ऊपर तोहमत लगाई और वाजपेयी ने आपको क्लीन चिट दी। जी वो इसी तरह दी उन्होंने भी, जिस तरह के पंडित जी ने दी थी, बगैर कुछ देखे सोचे इनका रिकॉर्ड क्लियर है। दिलीप साहब, ये चीज़ें हैं, ये बातें ऐसी हैं विच ब्रिंग यू टू दिस फेथ कि नहीं ये मुल्क हमारा है और इसमें अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं, देर आर पीपल हु आर गुड हार्टेड, देर एवरीवेयर।